हेलो एवरीवन इस वीडियो में क्लास सिक्स सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट थर्टी टू करेंगे डेट है इसकी इलेवन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और टॉपिक है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैड रीड दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक ऑल नेसेससरी अरेंजमेंट फॉर ऑल द पीपल इन द कंट्री टू वर्क टूगैदर सारे जो लोग हैं कंट्री में वो एक साथ कार्य करें उसके लिए गवर्नमेंट को कई सारे ऐसे वर्क करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं नेसेसरी अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं लोगों के लिए तो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट के क्या क्या वर्क होते हैं और अगर आपने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वाला चैप्टर नहीं रीड किया तो इस चैप्टर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है इन हिंदी आप जाकर देख सकते हैं जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहे तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे नेसेसरी वर्क करती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लाइक आर्मी फॉर सिक्योरिटी पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर हेल्थ सर्विसेज ट्रैफिक फैसिलिटीज लाइक रोड्स रोड्स रेलवे एयरप्लेन एक्सेट्रा पोस्टल कम्युनिकेशन एजुकेशन सिस्टम बैंक इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड फूड फॉर ऑल सिटीजन एक्सेट्रा तो इतने सारे वर्क होते हैं उसके आर्मी सिक्योरिटी के लिए पुलिस जो है लॉ और ऑर्डर मेनटेन करने के लिए हेल्थ की सर्विसेज यानी स्वास्थ्य सेवाएँ हो गई ट्रैफिक फैसिलिटीज़ हो गई जैसे सड़कें बनवाना रेलवे का काम एयरलाइंस और पोस्टल कम्युनिकेशन एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा होती है शिक्षा का सिस्टम अच्छी तरीके से बना कर रखना बैंक हो गई इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के पास पहुँचे खाना पानी हर सिटीज़न तक पहुँचते रहे यानी किसी भी सिटीज़न को कम फूड ना मिले ऐसी जो चीज़ें होती हैं एसेट्रा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है गवर्नमेंट को सो हाउ विल द गवर्नमेंट मेक ऑल दीज अरेंजमेंट इतनी सारी अरेंजमेंट सिर्फ एक गवर्नमेंट कैसे कर सकती है द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करती है एक होता है लोकल लेवल एट द स्टेट लेवल एंड एट द नेशनल लेवल तो तीन लेवल्स होती हैं सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर नेशनल गवर्नमेंट तो तीन गवर्नमेंट होती हैं लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर होती है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर और नेशनल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर बहुत ईजी है तो लोकल गवर्नमेंट का क्या वर्क है स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क है एंड नेशनल गवर्नमेंट का क्या वर्क है ये हम पढ़ेंगे सो लोकल गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन अ स्टेट द लोकल गवर्नमेंट अरेंजेस फॉर अ लोकल नीड्स ऑफ द पीपल लाइक क्लीननेस ऑफ रोड्स पार्क्स कम्युनिटी बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी हॉस्पिटल एक्सेट्रा सो लोकल गवर्नमेंट का यही वर्क होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करे जो स्टेट है यानी जो एक राज्य है उसके अंदर जो जिले होते हैं छोटे छोटे या कोई भी ज़िला हो कोई भी जो है डिस्ट्रिक्ट हो उस डिस्ट्रिक्ट को देखना लोकल गवर्नमेंट का काम है तो लोकल गवर्नमेंट पूरे स्टेट को नहीं देखती दिल्ली दिल्ली को नहीं देखेगी लोकल गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर कोई जिला होगा उसको लोकल गवर्नमेंट देखेगी तो लोकल गवर्नमेंट जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या देखती है जैसे के लिए पीपल को क्लीननेस पसंद है यानी आज पा, आस पास की सफाई करवाना ये लोकल गवर्नमेंट का काम है उस ज़िले को अच्छा रखना रोड बनवाना पार्क बनवाना वहाँ पर कम्युनिटी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको बनवाना मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका मेंटेनेंस तो ये सारे कार्य लोकल गवर्नमेंट के होते हैं ठीक है ठीके? फिर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है इन स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर सम ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल सच एज द प्रोविजन ऑफ रोड्स एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा इन द स्टेट स्टेट गवर्नमेंट नाम से ही समझ आता है कि ये स्टेट को देखती है यानी एक राज्य को देखती है ठीक है राज्य के अंदर जिला लोकल गवर्नमेंट देखेगी राज्य को स्टेट गवर्नमेंट देखेगी तो बहुत आसान है अब जो राज्य है उसमें वो क्या देखेगी यानी स्टेट जो है उसमें वो क्या देखेगी कुछ अरेंजमेंट करेगी जैसे पीपल की जो जो नीड्स हैं वहाँ पर जैसे के लिए रोड्स बनवाना एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना स्कूल्स हॉस्पिटल्स ये सारी चीज़ें बनवाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हौ, जो होते हैं ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए पानी एसेट्रा इन द स्टेट ये सारे काम क्या करती है ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट करती है ठीक है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को देखेगी लोकल गवर्नमेंट उस स्टेट के अंदर किसी ज़िले को देखेगी अब नेशनल गवर्नमेंट आती है नेशनल गवर्नमेंट क्या होता है देयर आर सम फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू द होल कंट्री पूरी कंट्री के बारे में कुछ डिसीजंस लेना या उसमें कुछ अरेंजमेंट करवाना फंक्शन करवाना ठीक है तो नेशनल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को देखती है कंट्री के अंदर छोटे छुट छोटे राज्यों को स्टेट गवर्नमेंट देखती है और राज्यों के अंदर जो जिले होते हैं उन्हें लोकल गवर्नमेंट देखती है हर जिले की कई सारी लोकल गवर्नमेंट्स होती है ना स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को देखेगी नेशनल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को देखेगी ठीक है तो ये बहुत सिंपल है और नेशनल गवर्नमेंट कुछ ऐसे फंक्शंस करती है कंट्री के लिए जैसे सिक्योरिटी बॉर्डर जो होता है हमारी कंट्री का उस पर सिक्योरिटी आर्मी फोर्स लगाना करेंसी बनवाना जैसे कोई भी नया नोट आता है तो नेशनल गवर्नमेंट का ही वो कार्य होता है रेलवे सर्विस हो गई तो ऐसी चीजें नेशनल गवर्नमेंट करवाती है सर्च वर्क आर अरेंजड बाय द नेशनल गवर्नमेंट ठीक है अब इतना ही था अब आगे आपके क्वेश्चन हैं उन्हें करने से पहले देखिए अगर आप स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं जो कि माइंड बूस्टिंग कॉम्पिटिशन वाले चैनल पर हो रहा है फ्री में आप हिस्सा ले सकते हैं और इसमें प्राइजेज भी आपको दिए जाएंगे तो साथ साथ देख लीजिए कि अभी आप वीडियो भेजना शुरू कर दीजिए और अगर आपको जानकारी जाननी है स्टोरी टेलिंग कॉम्पटिशन के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाइए स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन लिखा होगा मैंने एक लिंक दे दी है उधर उसे जाकर देख लीजिए साथ ही साथ देखिए आपको ना चौदह नवंबर की शाम तक ही आप वीडियोस भेज दीजिए जो लोग पंद्रह नवंबर को भेजते हैं तब हम अपलोड कर देते हैं तो इसलिए बार बार ऐसे चेक नहीं करते तो चौदह नवंबर के शाम तक भेज दें इवनिंग तक भेज दें वो बेटर रहेगा ठीक है और आप एक मिनट से बड़ी ही वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए पूरी स्टोरी आनी चाहिए वीडियो में ठीक है आधी स्टोरी कोई नहीं भेजेगा साथ ही साथ अगर आप लोगों को अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाना है या फिर उसमें वीडियो कैसे अपलोड करें ये जानना है तो इस चीज़ के लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे जाकर भी आप लोग देख सकते हैं एंड uh, ऐसी ही और डिजिटली चीज़ों को जानने के लिए आप उसी वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन क्वेश्चन एक ही दिया गया है इसमें है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे बिलोंग टू यहाँ पर कुछ कार्य दे रखे हैं आपको बताना है कि ये कार्य कौन से लेवल की गवर्नमेंट करती है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसीजन टू कंडक्ट बोर्ड एग्जाम इन क्लास एट इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स इन द स्टेट तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसका ये निर्णय है कि कक्षा आठ के लिए क्लास एट के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स लागू करवाना सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये कौन सी लेवल की गवर्नमेंट का कार्य है कौन सी लेवल की गवर्नमेंट करेगी ये स्टेट लेवल की क्योंकि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट करेगी ठीक है वो स्कूलों में बोर्ड एग्जाम लागू करवाना ठीक है ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है डिसीजन टू बिल्ड पब्लिक टॉयलेट इन मंगोलपुरी एरिया इन दिल्ली तो देखो दिल्ली में एक मंगोलपुरी एरिया है उनमें जो शौचालय है उन्हें बनवाने का कार्य है तो देखो दिल्ली एक राज्य है राज्य के अंदर मंगोलपुरी एक एरिया है यानी जिला बोल सकते हो ना राज्य के अंदर की बात हो रही है तो ये तो लोकल गवर्नमेंट का वर्क है ऊपर क्या था स्टेट का निर्णय था तो इसलिए हम स्टेट लेवल पर हमने लगाया अब ये कोई एरिया है दिल्ली के अंदर तो ये लोकल गवर्नमेंट करवाएगी उसमें शौचालय बनाने का काम ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका हरियाणा गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल फार्मर्स इन द स्टेट जितने भी फार्मर्स हैं स्टेट में एक राज्य की बात हो रही है राज्य में जितने भी फार्मर हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना हरियाणा की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है इस चीज़ का तो देखिए स्टेट लेवल है क्योंकि स्टेट की बात की जा रही है स्टेट में किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं सो दिस इज अ स्टेट लेवल वर्क उसके बाद डिसीजन टू बिल्ड अ पार्क फॉर चिल्ड्रन इन पटना पटना के किसी एरिया में पार्क बनवाना है तो ये एरिया की बात है लोकल लेवल बनवाई गई पार्क है ना तो ऐसी चीज़ें लोकल लेवल करती है लोकल लेवल की गवर्नमेंट करती है फिर डिसीजन टू इंट्रोड्यूस न्यू वन थाउजेंड रुपी नोट एक हज़ार का जो नोट है उसे इंट्रोड्यूस करवाने का कार्य ये होगा नेशनल लेवल का क्योंकि जो वन थाउजेंड नोट है पूरी कंट्री का वर्क है ये पूरी कंट्री में वो चलने वाला है सो दिस इज़ द वर्क ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे यहीं आज की वर्कशीट फिनिश होती है आई होप आपको समझ आई होगी सो प्लीज़ लाइक द वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू